फाइल। फाइल तो कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ ढूंढू? सर से पूछ लेती हूँ, लेकिन सर से पूछूंगी तो बोलेंगे कि पहली बार काम दिया और सब वो फाइल नहीं मिल रही है आपकी, कहाँ रखी है आपने मुझे बता दीजिए, मैं ढूंढ लेती हूँ। हर वक्त काम काम, हाँ तुम थकती नहीं क्या? अरे दिस इज नॉट एन ऑफिस, दिस इज अ पार्टी, सेलिब्रेशन टाइम, हाँ लेट्स हैव सम फन। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अरे शुरू में ना सारी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं, बट एक बार लग्जरीज की आदत पड़ जाए ना तो सब ठीक हो जाता है। लुक मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा तो तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। सर देखिए डरो मत मुझसे, बी अफ्रेड। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, क्या काम करती है उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी कर लूंगी उसके लिए, देख लूंगी मुझे क्या करना है। Let me just call you back. अर्जुन तुम यहां क्या कर रहे हो? पार्टी में सब लोग तो मिस कर रहे हैं, यू हैव टू बी देयर। वो रौनक भी नहीं दिखाई दे रहा, आई डोंट नो वेयर द हेल इज ही। ही वाज चलो चलो यू कम विद मी, कम। चली गई ना वहां से, अब अगर उसने किसी को कुछ बोल दिया तब हम लोग क्या करेंगे? बोलेगी तब जब मैं उसे बोलने का मौका दूंगा। मतलब नौकरी से निकाल दूंगा उसे। What? चिंता मत कर, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दूंगा कि बेचारी निकल ही नहीं पाएगी, कंपनी आज ही उसे निकाल देगी। बट तेरी छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे। समझते क्या अपने आप जी, क्या हुआ है? मुझे डाउट है कि इस लड़की ने ही मेरा वॉलेट चुराया है। जिस रूम में मैंने अपना वॉलेट रखा था ये लड़की उस रूम में गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? जबरदस्ती मुझ पे क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तुम हो कौन? मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मेरे बैग में किसी का कोई वॉलेट नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने एक मिनट मैडम अपना पर्स बताना। मैं अपना पर्स क्यों दिखाऊं जब मैंने चोरी नहीं की? तो देखिए आप मुझे मजबूर मत करिए, आपने चोरी की या नहीं की इसका पता अभी चल जाएगा। ठीक ये वॉलेट आपका है? ये वॉलेट मेरा है, मैंने कहा था ना ये लड़की चोर है। मैंने चोरी नहीं की है, मैं नहीं जानती वॉलेट मेरे बैग में कैसे आया। मैं ये जरूर इसने किया है, मैं जानती हूँ तुमने किया ना ये सब कुछ। ये अभी भी मेरे साथ रूम में था, मेरे साथ जबरदस्ती करा था। जब इसे रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो इसने सोचा कि मैं इसे बदला लूं, इसलिए अपने दोस्त को कहकर मेरे पर्स में उसका पर्स डलवा दिया। ये बहुत अच्छी चाल थी तुम्हारी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ ये सब इसने। शकल देखिए अपनी आईने में, हाँ मैं और तुम जैसी मामूली लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ क्या औकात है? तुम जैसी ना हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, और मैं तुम्हारी जैसी मामूली लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा? और रही बात इल्जाम लगाने की, तो तुम मेरे को फंसा रही थी। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पैसे के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकती हो। तो अमीर लड़का दिखा नहीं तो पीछे आ जाएंगी, भाव मिला तो टाइम पास करेंगी, और नहीं मिला तो ब्लैकमेल। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं गरीब हूँ, तुम्हारे यहाँ काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी किसी भी गलत सलत बात को मैं सुन लूंगी, समझे तुम? माना कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारी तरह अमीर नहीं, लेकिन कम से कम ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ। चोरी चकारी करने की आदत मुझे नहीं है, अमीर लड़कों को फंसाने की आदत मुझे नहीं है, ऐसा तो मैं अपने सपने में तक नहीं सोच सकती। तुम्हें क्या लगता है हर गरीब लड़की पैसों की खातिर किसी भी लड़के के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? बिल्कुल नहीं, ना ही मैं ऐसी हूँ और ना ही कभी हो सकती हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, पहले अपने आप को देखो कि तुम किस तरीके से घटिया इंसान हो। Shut up and get out right now. And get out. मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूं। इसके बाद तुम एक मिनट भी यहां रुकी ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, और फिर पुलिस जो तुम्हारा हाल करेगी ना, लेके जाओ इसे सिक्योरिटी, लेके जाओ, गेट आउट, आउट। कौन थी वो? वही कद, वही रंग, एकदम अर्चना ही जैसी, ऐसा हो कैसे सकता है? जस्ट
आपने चोरी की या नहीं की इसका पता अभी चल जाए। औकात क्या तुम्हारी यहाँ? तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसे के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकती हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। लेके जाओ इसे सिक्योरिटी। आउट। काय झाला गा? तू रो क्यों रही है? बोल ना क्या हुआ? पति ने छोड़ दिया क्या? किसी दूसरी औरत का लफड़ा? जरूर हीरो के साथ झगड़ा करके आई हो। जरूर ऑफिस में तुझे सेठ ने डांटा होगा ना? मुझे चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे जॉब से निकाल दिया। साली इस दुनिया का रीत ही ऐसा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 18 साल जिस घर में मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया, उन लोगों ने मुझे चोर कहकर काम से निकाल दिया। तुझे पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? यही कि हम गरीब हैं। और इन अमीरों को लगता है गरीब हैं तो अपनी शराफत भी बेच खा गए हैं। इनके सामने कितना भी सरपटको, ये हमारी सच्चाई पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और ना ही कभी मानेंगे कि हमने चोरी नहीं की है। गरीब होना तो इस दुनिया में सबसे बड़ा श्राप है। पता नहीं क्या क्या सोचा था कि मैं अपने अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए ये करूंगी वो करूंगी। इतनी सारी उम्मीदें थी, सब टूट गई। कैसे कहूं जाके कि मुझे जॉब से निकाल दिया है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था अपने अपने भाई को पढ़ाऊंगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कैसे बताओ, जॉब चली गई। भरोसा रख, भगवान ने तुझे अगर आज ये बुरा दिन दिखाया है तो कल अच्छा दिन जरूर दिखाएगा। रात जिंदगी भर के लिए तो नहीं होती ना, कभी ना कभी दिन तो होगा। इसलिए कहती हूँ हिम्मत मत हारना। हमारी आशाएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी के तो दम पर हमारी ये जिंदगी कट जाती है। नहीं मिला तो इसने सोचा कि मैं इसे बदला लूं, इसलिए अपने दोस्त को कहकर मेरे पर्स में उसका पर्स डलवा दिया। पूर्वी, डिसाइडेड, इस बार तेरे बर्थडे की पार्टी होगी। तेजू, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है, ठीक है? देखना ये बेफालतू में जिद कर रही है। जिद ये नहीं, जिद तू कर रही है। अब सब चाहते हैं कि तेरी बर्थडे पार्टी होनी चाहिए, तो बना ले। क्या जाएगा तेरा? आई, अब इस एज में क्या बर्थडे मनाऊं मैं? हम किसी की खुशी के लिए नहीं मना रहे, हम अपनी खुशी के लिए तेरा बर्थडे मना रहे। तो बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आई बाबा के लिए बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना। और किसी और ने तेरी पार्टी प्लान नहीं की है, मैंने की। अब कुछ बोलना है तुझे? और परी, तू ही अपनी आई को बोलना, तेरी आई तेरी बात कभी नहीं टालेगी। तेजू मासी, अगर आई नहीं चाहती तो क्या पार्टी वार्टी? आई मीन, हम घर वाले भी तो अच्छा खासा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। परी, तुझे यहाँ सपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था और तूने यहाँ आते ही पार्टी बदल ली। नॉट डन? हाँ ओके बाबा, कर लो पार्टी, बट ऑन वन कंडीशन, मुझे आने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। कम ऑन बेबी, देशमुख की पार्टी सबसे हैपनिंग होती, लोग तरसते हैं इस पार्टीज में आने के लिए, और तुम की मना कर रही हो। परी, ये पूर्वी की बर्थडे पार्टी तुम्हारी एब्सेंस में भला कैसे हो सकती है? और वैसे भी ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, देख लेना। और वैसे भी पूर्वी की फैमिली में तुम्हारे सिवा है ही कौन? आई, मैं सोच रही थी क्यों ना हम प्रेस वालों को बुला ले। हाँ नीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें मीडिया को जरूर बुलाना चाहिए।
क्या है ना, पूर्वी की पार्टी में पूर्वी हो या ना हो, लेकिन मीडिया का होना बहुत जरूरी है। वैसे भी प्रेस को बुलाने की क्या जरूरत है? वो क्या है, तुम जब भी बोलती हो तो खबर अपने आप ब्रॉडकास्ट हो जाती है। नहीं लेकिन नहीं, मीडिया को हमें बुलाना चाहिए। वो क्या है, तुमने डिजाइनर वेयर पहना है, इतनी तुम मेहनत करोगी तो इसे कवर करने के लिए प्रेस तो जरूरी आनी चाहिए ना। रॉजर, लेमन टी। तेजो मासी, कैन वी प्लीज फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन, मुझे काम पर जाना है। जब से ये काम ही तो कर रही है। तू कहीं नहीं जाएगी, जब तक पार्टी प्लान नहीं होती तू कहीं नहीं जाएगी। तो ऑफिस का काम कौन करेगा? इतना काम करेगी, काम ही करती रहती। हेलो, अर्जुन बोल रहा हूं। कैसी हो? आई, मेरी वो फाइल कहाँ है? पूर्वी, वो परी की आवाज है ना? आई, मेरी फाइल कहाँ है? बात कर रही है तुमसे? हाँ। पूर्वी प्लीज। हेलो, मैं बाद में फोन करती हूँ। देखो पूर्वी, अर्जुन का फोन था। भाई, मैं फोन नहीं करूंगी। अगर फोन नहीं करेगी तो कैसे पता चला? मुझे नहीं पता करना है कि क्यों फोन किया है। इतने साल हो गए, क्या जरूरत थी फोन करने की? मैं भूल रही थी ना, मुझे उससे बात नहीं करनी। देख पूर्वी, शादी एक ऐसा रिश्ता है ना जिसमें किसी ना किसी को पहल करनी पड़ती। 20 साल हो गए बोले, ना अर्जुन ने की पहल ना तूने की पहल। मुझे पता है कि अर्जुन गलत था, उसने गलत किया था, और शायद इसीलिए आज तक मैं तेरे साथ खड़ी रही हूं। मैं जानती हूं उसने ओवी और पूर्वी में से ओवी को चुना, जो बहुत गलत था। लेकिन मुझे पता है मेरी पूर्वी कहीं ना कहीं बहुत अकेली। उस दिन जब तू स्टेज पे खड़ी थी ना और तेरे आई बाबा की शादी की बात कर रही थी, मुझे पता चल रहा था कि तू कहीं ना कहीं बहुत अकेली है। तुझे क्या लगता है, तेरी आई को नहीं पता चलेगा? तू अपनी आई से कुछ नहीं छुपा सकती बेटा। देख, आज तू बहुत बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई, काम करने लगी है, फिर से अपनी लाइफ में सेटल हो गई है, अपने बाबा के साथ काम करती है,
मुझे पता है कि मेरी पूर्वी बिल्कुल अकेली है, आज भी अर्जुन को मिस करती है, उसे उतना ही प्यार करती जितना शायद पहले करती थी। बेटा बस मैं नहीं चाहती कि तेरे आई बाबा ने जो गलती की वो तू करे, मैं नहीं चाहती कि जो अकेले रहने का सफर मैंने काटा है तुझे भी काटना पड़े। मुझे पता है तूने 20 साल गुजारे हैं उसके बिना, मुझे बहुत तकलीफ हुई है मुझे पता है, लेकिन तुम दोनों में से कोई तैयार ही नहीं था, और मैंने तुझे कभी फोर्स भी नहीं किया क्योंकि अर्जुन गलत था। पर आज अर्जुन ने तुझे खुद फोन किया, पूर्वी तेरे पास एक मौका है, एक बार उससे बात करके दे वो क्या कहना चाहता है। मैं तुझे अकेले नहीं देख सकती इसलिए बोल रही हूँ, बस एक बार। और ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, तेरी बच्ची के लिए, परी के लिए। टेलीफोन। सोनू, प्रणव, मानसी, प्रशांत मेरी नौकरी की खबर सुनकर कितने ज्यादा खुश थे। आज मेरा पहला दिन था और प्रशांत वो तो कब से ही आस लगाए बैठा था कि मेरी जॉब लगेगी और वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। अब उसका सपना मैं कैसे, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। अब प्रशांत वापस काम पर नहीं जाएगा, मैं इन सब में बड़ी हूं, इनकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नौकरी के साथ उनकी कितनी सारी उम्मीदें जुड़ी है और मैं उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं आज कनाडा नहीं गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा यार। पैसों का नुकसान आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर से रिश्तों में जो कड़वाहट आएगी उसके बारे में सोचा है तो? आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। किर्लोस्कर फादर, अर्जुन किर्लोस्कर।
मेरे डैड के खिलाफ कुछ भी कहोगी और मैं सुनता रहूंगा। मैंने डैड के खिलाफ क्या कहा? तो यही तो कह रही हूँ तुम, तुम्हारे कहने का मतलब यही कि मेरे डैड ने गलत डिसीजन लिया। मेरे डैड वहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए थे और पार्टनरशिप तोड़ने की बात माना बाबा ने की। मैं मेरे परिवार से बात करती हूँ और तुम प्लीज डैड से बात करने के लिए इसके बाद रह क्या गया? क्या बचा है? जो कुछ भी आज हुआ उसके बाद मुझे बताओ कि बचा क्या? कुछ नहीं सुनना, सब देख चुकी हूँ मैं। लेकिन मेरी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धोखा, मुझे उससे बात करनी होगी। आज तक तो अपने आप को रोक के रखा था, लेकिन आज उसकी आवाज सुनने के बाद फोन क्यों नहीं किया उसने?